गुड इवनिंग एवरीवन। तो सिट टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होप सो गाइस आपको लक्ष्य बैच काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। यदि आपको लक्ष्य बैच अच्छा लग रहा है, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली ऐसा काम नहीं करवाता, मैं कभी भी आपको नहीं बोलता किसी वीडियो के अंदर की वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नहीं। यदि आपको पसंद आ रहा तो आप खुद कर लेते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको पता चले, कि मुझे भी पता चले कि लक्ष्य बैच से मुझे फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लक्ष्य बैच का एक ही एम है कि आपके जितने भी सिलेबस के अंदर टॉपिक है उसको एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करना, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो 5 मार्क्स का हो, चाहे वो 10 मार्क्स का हो, चाहे वो 15 मार्क्स का हो, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो, ट्रू फॉल्स हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लेंगे, या तो आपके वो सेमेस्टर एग्जाम पूछे गए हैं, चाहे वो आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पे पूछे गए हैं, तो हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जो कि है सिट टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ये PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। नो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। आप पहले मुझे बताएंगे इंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, या आपको सब सही से बोल रहे हो कि सर जब सीड मैच्योर हो जाता है उसके बाद उसमें इंडोस्पर्म रिमेन हो जाता है, बच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। दैट मीन्स कि ऐसे सीड जिसके अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो आप मुझे बताएंगे क्या कैस्टर के अंदर इंडोस्पर्म होता है, या ऑफकोर्स बिल्कुल होता है, मेज के अंदर होता है, इनके आप सीड देखे होंगे तो ये वाला पोर्सन क्या होता है, कंप्लीटली इंडोस्पर्म होता है, ठीक है। राइस के अंदर भी होता है, ग्राम एक ऐसा सीड है जिनका इंडोस्पर्म कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर लिया जाता है आफ्टर मैच्योरिटी, तो ये सीड इसके अंदर इंडोस्पर्म आपका नहीं होता है, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या है, ग्राम है, ठीक है। ग्राम के अंदर इंडोस्पर्म नहीं होता है, या फिर बोल सकते हो ग्राम इज नॉट एन इंडोस्पर्मिक सीड। ग्राम का सीड जो है वो उसका यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए मोनोकोट या फिर डाइकोट, क्योंकि आपको पता है कि ये ग्राम का सीड क्या होता है, डाइकोट होता है। जब भी कोई टीचर्स आपको पढ़ाएंगे मोनोकोट या डाइकोट के बारे में, तो वो आपको जब डाइकोट के एग्जाम्पल देंगे तो उसमें आपको या तो ग्रोनट देंगे या फिर आपको वो ग्राम का देंगे, क्योंकि ऐसे सीड्स होते हैं ना जिनको आप इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इनके सीड जो होते हैं ना वो इनिशियली आपको ग्रीन कलर के दिखाई पड़ेंगे जब ये पोड के अंदर होते हैं, जब ये आपका ये जब ये ड्राई हो जाता है ना, तो आफ्टर ड्राई ये ब्राउन कलर का दिखाई पड़ने लगते हैं, ठीक है। इनका शेप देखेंगे तो आपका एक सिरे से ये नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है, पर दूसरे सिरे से ये कैसा होता है, राउंड होता है, ठीक है। और देखिए कई बार क्या होता है कि एक पोड के अंदर कई बार दो या फिर दो से ज़्यादा, मोस्टली दो तीन या फिर तीन से ज़्यादा, चार पांच आपको ये सीड दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और देखिए सीड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सबको पता है सर, ये मोनोकोट सीड होते हैं, डाइकोट सीड होते हैं। मोनोकोट सीड क्या होते हैं, ऐसे सीड जिनको आप दो इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जिससे कि राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, ठीक है। डाइकोट में आपको क्या क्या आ गया, ग्रोनट आ गया, ग्राम आ गया, पी आ गया, तो ये सारे क्या होते हैं, ये डाइकोट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। देखिए इंडोस्पर्म का मैं आपको बता दूँ फिक्स फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए इंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, ऐसे सीड जिनको जिनके मैच्योरिटी के बाद भी उसमें क्या होता है, इंडोस्पर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, जब आपका सीड छोटा होता है, जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उसके अंदर होता है इम्ब्रियो, ठीक है। और इस इम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये फंक्शन होता है आपका इंडोस्पर्म का, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। और ये इंडोस्पर्म जो होता है वो फ्लेसी होता है, ऑयली होता है, और ये घिरा होता है इम्ब्रियो से, और इनका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, ठीक है। ये फूड स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, आफ्टर सम टाइम जब ये ग्रोथ हो रहा होता है सीड का, तो ये इम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये PPT आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेना। और इनकी मुख्य एक बात आप याद रखिएगा कि हर एक सीड के अंदर ये इंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज़ कर जाता है। ऐसा कुछ ऐसे सीड्स होते हैं ना जिनके अंदर ये आपका इंडोस्पर्म कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर जाता है मैच्योरिटी तक, ठीक है। जैसे कि सीड मैच्योर हो रहा होता है तो उस दौरान जो इम्ब्रियो होता है वो कम्प्लीटली उसको इस इंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन को यूज़ कर लेता है, ठीक है। मतलब कि इंडोस्पर्म आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे सीड का एग्जाम्पल क्या हो गया, पी बीन, ठीक है। ऐसे और भी सीड्स हैं, बट पी और बी ऐसे सीड्स होते हैं जिनका इंडोस्पर्म कम्प्लीटली एब्जॉर्व कर जाता है मैच्योरिटी तक, ठीक है, समझ में आया। नो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिखाया पड़ा है मेज का सीड, ठीक है। मेज का सीड देखेंगे आप तो ये वाला पोर्शन क्या है, कम्प्लीटली इंडोस्पर्म है, ठीक है। बाहर के जो एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, जिसको हम टेस्टा के नाम से जानते हैं, अंदर का लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, टैगमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये कोटिलीडन है, प्लीम्यूल, जिसके
जब ये सीट डेवलप होगा तो प्लीम्यू से क्या निकलेगा, न्यू सूट निकलेगा और रेडिकल से न्यू रूट निकलता है, सबको पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नो आगे बढ़ते हैं, गोल्डन येलो कलर टैग इज गिवेन टू, गोल्डन येलो कलर का टैग हम किसको देते हैं या फिर किसके लिए ये माना जाता है, बिडर सीट के लिए, न्यूक्लियर सीट के लिए, फाउंडेशन सीट के लिए या फिर रजिस्टर सीट के लिए, या आपको सब सही सोच रहे हैं, गोल्डन येलो कलर का टैग जो है वो ब्रीडर सीट के लिए आपको दिया जाता है या फिर इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो गोल्डन येलो कलर का टैग किसके लिए आता है, ब्रीडर सीट के लिए आता है, ठीक है। नो देखिए, बोलता है कि ब्रीडर सीट जो होता है वो प्रोजेनी होता है न्यूक्लियर सीट का, ठीक है। जब भी आप ब्रीडर सीट को बनाएंगे तो ये प्लांट ब्रीडर के सुपरविजन में बनाया जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। ऐसे सीड का यूज़ हम लोग करते हैं टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड, और इनका जो टैग होता है वो कैसा कलर का होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि फाउंडेशन सीड का जो टैग होता है वो वाइट कलर का होता है, रजिस्टर सीड का जो टैग होता है वो पर्पल कलर का होता है, और सर्टिफाइड सीड का जो टैग होता है वो अजहर ब्लू कलर का होता है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। नो आगे बढ़ते हैं, बोलता है फिजिकल प्योरिटी फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सोयाबीन। देखो क्या होता है ना कि आपको किसी भी सीड को सर्टिफाई करवाना है तब जाके उसकी फिजिकल प्योरिटी, मतलब अगर देखिए मान के चलिए कि ये सोयाबीन है, ठीक है, आपको इसको सर्टिफाई करवाना है, ठीक है। तो सर्टिफाई करवाने के लिए एटलीस्ट एक मतलब एक डेटा होता है, जैसे क्या होता है ना कि ये सोयाबीन है, ठीक है, और इस सोयाबीन को आप चाह रहे हो कि इसको हम सर्टिफाई करा दें, तो सर्टिफाई करने के लिए भी या सर्टिफिकेशन करवाने के लिए भी एक डेटा होती है, एक लिमिट होती है, आपको इतना तक फिजिकल प्योरिटी चाहिए भी। तो अगर आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि सोयाबीन को सर्टिफिकेशन करवाना है तो उसके लिए कितनी फिजिकल प्योरिटी रिक्वायरमेंट है, तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा 97% तक का यदि फिजिकल प्योरिटी है सोयाबीन के अंदर तभी वो सर्टिफिकेशन के लिए जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए और भी डेटा आपको दिया गया है कि आपको पता है ना कि आपके जो ब्रीडर या फिर न्यूक्लियर सीड होते हैं उनका फिजिकल प्योरिटी कितना परसेंट होता है, 100% होता है, फाउंडेशन सीड का 99.5% होता है, सर्टिफाइड सीड का 99.0% होता है, और अगर बात करें तो सिस्टम सोयाबीन जूट का 97% रिक्वायरमेंट है फॉर द सर्टिफिकेशन पर्पस के लिए, ऑल क्रॉप मोस्ट जितने भी क्रॉप्स होते हैं उसमें एटलीस्ट 98% तो फिजिकल प्योरिटी होना ही चाहिए, ठीक है। क्रेट के अंदर 95%, ग्राउंड के अंदर 96% और मेज भिंडी के अंदर 99%, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये डेटा को, ठीक है, और ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और भी इसके जितने भी क्रॉप्स हैं उनका फिजिकल प्योरिटी, ठीक है, कितना चाहिए वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नो बोलता है सिंगल कॉटिलीडन ऑफ ज्वार इज कॉल्ड, ठीक है, सिंगल कॉटिलीडन ज्वार का जो सिंगल कॉटिलीडन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या कॉल्यूराइजा बोलते हैं, एस्कुटेलियम बोलते हैं, हस्क बोलते हैं, कॉल्यूप्टाइल बोलते हैं। अगर आप इससे बोल रहे होंगे सर तो आपका बेसिक बहुत ही खराब है, आप प्लीज़ अपना बेसिक पे फोकस कीजिए, हस्क बिल्कुल नहीं हो सकता, या जो लोग कॉल्यूराइजा के साथ जा रहे हैं आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, जो लोग एस्कुटेलियम के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, एस्कुटेलियम इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए बोलता है द सिंगल लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलीडन ऑफ ज्वार ग्रेन इज कॉल्ड एस्कुटेलियम, ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है मोनोकॉट सीड का, ठीक है। आप ये आपको यहाँ से आप खुद पढ़ लेना, सीड क्या होता है, प्लूम्यूल क्या होते हैं, रेडिकल क्या होता है, सर बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ के मैं टाइम और स्पेंड नहीं करना चाहता, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नो आगे बढ़ते हैं, अब देखो इस फिगर के अंदर आप देख लीजिए ये वाला पोर्शन क्या है, एस्कुटेलियम है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना ये वाला पोर्शन, ये क्या है कम्प्लीटली, ये एस्कुटेलियम है आपका, ये देख रहे हैं, ठीक है। नो टेक दैट डिनोट ब्रीडर सीड, ऐसा टैग जो कि डिनोट करता है ब्रीडर सीड को वो क्या है, गोल्डन येलो है, आप भी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या ऑफकोर्स आप सही बोल रहे हो सर, इनका जो टैग होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, ठीक है, सब आपने अभी पढ़ रखा है, नो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, लेकिन 5 के अंदर आप देखे होंगे कितना क्वेश्चन छुपा हुआ है, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जूट का फिजिकल प्योरिटी कितना होना चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए, तो एक क्वेश्चन के अंदर आपने कितना क्वेश्चन को देखा, ठीक है। तो आपको इसी में पढ़ना है, केवल एक क्वेश्चन को लेकर मत चलिए, क्वेश्चन एक रहेगा लेकिन उसके एक्सप्रेशन को आप डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ, थैंक यू सो मच।